हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने MSP पर मूंगफली भी खरीदने का फैसला ले लिया है। इसकी सरकारी खरीद 1 नवंबर से की जाएगी और 31 दिसंबर 2021 तक रहेगी। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होने की संभावना है और ये 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसी प्रकार मक्का, बाजरा और मूंग की खरीद 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होने की संभावना है और 15 नवंबर 2021 तक चलने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीद को लेकर अधिकारियों से कहा है कि विपणन सत्र 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो। इसके अतिरिक्त खरीद केंद्रों को बनाने के लिए आवश्यक स्थानों की समय रहते पहचान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में निर्देश दिए और कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता की समय पर व्यवस्था की जाए, साथ ही पर्याप्त संख्या में ड्रायर्स, तराजू, बारदाना, सिलाई मशीन आदि उपलब्ध होना भी सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों एवं अन्य संबंधित जिला अधिकारियों के साथ मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत फसलों के सत्यापन, फसलों की खरीद की तैयारी और परिवार पहचान पत्र में आय और दिव्यांगों के सत्यापन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अधिकारियों ने बताया कि खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित MSP पर की जाएगी। बैठक में बताया गया कि खरीफ फसलों की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में मंडियों की व्यवस्था की गई है। धान की खरीद के लिए 199, बाजरे की खरीद के लिए 86, मक्के की खरीद के लिए 19, मूंगफली की खरीद के लिए 7 और मूंग की खरीद के लिए 38 मंडियां खोली गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की सुविधा और फसलों की परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यकता हो तो मंडियां या खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, हर खरीद केंद्र पर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान मंडियों में पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ साथ खरीद कार्यों की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।